This on computer and recording has started. So let me go back to the share screen. Okay. So class introduction, I'll put up these slides on the website, and people are still entering. So from time to time, I'll have to admit them. Maybe I'll create an option that next time everybody can join automatically. Okay, so take a slip of paper, right? And next time we'll go around, because sometimes it's shocking if you are not prepared. For some of the class, we'll take introduction today, but I'll say take a piece of paper and write down your name, your hobbies, right? You like watching movies, playing video games, right? So whatever are your hobbies, what is your reading choice, if any? Sometimes the reading choice might not be there. You don't like to read. And what do you expect to learn from this course? So please write these four answers. And then at the end of class, we'll take some introduction today and the rest from tomorrow. Maybe we'll go roll number wise. And at the end Excuse of the class. Sir. Yes, please go ahead. Sir, bus student ko allow kare sir, wo class mentor nahi ho sir. Okay. तो मैं तो बिल्कुल एडमिट कर रहा हूँ, और आपने भी उनको कहना है कि नेक्स्ट टाइम टाइम पे आना है, ठीक है? तो इस सारी क्लास में हम एडमिट ही करते रहेंगे, ठीक है? उनको कहें बस ठीक है, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू स्टार्ट द क्लास ऑन टाइम. जिससे मैंने 5 मिनट पहले क्लास ऑन कर दी थी, ठीक है? तो आप लोग फिर फ्रेंड्स को कहें क्या टाइम पे ज्वाइन करना है, वरना फिल्म का मजा खराब हो जाएगा, राइट? सो प्लीज नोट डाउन दीज फोर क्वेश्चंस. एट द एंड ऑफ द क्लास हम सर्कुलेट करेंगे एंड वील ट्राई टू आई विल गेट टू नो ऑल ऑफ यू बेटर. And you're most welcome to turn your camera on while you're talking. We get to know each other better. ये बड़ा unfortunate है online classes की वजह से. Otherwise उस्ताद शागिर्द का रिश्ता जो है वो जिंदगी भर का रिश्ता होता है. आप लोग graduate कर जाते हैं, you still write back to us, we write reference letters for you, right? It's a very deep relationship, and I greatly value the relationship with my students. Or let's hope that the government removes the restrictions and we can get back face to face also. So isko aap aram se likhein and right. Yes, sir. ठीक है. So learning methodology. ठीक है. So आजकल मुश्किल ये कि सारा focus teaching पे होता है, right? किसी ने student से पूछा कि आप किस तरह learn करते हैं, right? What is the best way for student to learn, right? So we'll talk more about learning methodologies. I normally deliver courses on learning methodologies also. और आज आप बेशक इंटरनेट पे चेक करें, डिजिट 4, 1 2 3 4 4 होता है ना, तो 4 मैट MAT फॉर्मेट लर्निंग मेथोडोलॉजी, उसके हम कोर्सेज कराते हैं. आई टेल यू अबाउट इट आल्सो, बट इन ए सिंपल स्लाइड आई फाउंड आउट दैट द ओनली वे टू लर्न फुटबॉल इज टू, आप बताएं फुटबॉल खेलने का बेस्ट तरीका क्या है सीखने का? बिल्कुल सही है, टू प्रैक्टिस इट. बिल्कुल ठीक, अगर आप साइड लाइन से बैठे फुटबॉल की कहें, जब हम खुद खेलेंगे नहीं तब तक नहीं पता लगेगा. 100% करेक्ट, राइट? द ओनली वे टू लर्न फुटबॉल इज टू प्ले फुटबॉल. देयर इज नो वे कि मैं आपको उस कम्युनिकेशन स्किल ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाऊं और आप कम्युनिकेट करना सीख जाएंगे, राइट? सो जब तक हर क्लास में हम प्रैक्टिस नहीं करें तो माइक अपना बंद रखें, फीडबैक आता है, ठीक है? बट जब बोलना हो बेशक माइक ऑन कर लें, अदरवाइज वी ट्राई टू कीप वन माइक ऑन, ठीक है? स्टिल पीपल कमिंग, उनको आपने बताना है कि भाई आप टाइम पे आया करें. अच्छा, सो वील प्ले फुटबॉल इन दिस क्लास, राइट? एवरीबडी, और जो फुटबॉल नहीं खेलेगा वो नहीं सीखेगा, ठीक है? तो सिस्टम हम ऐसा क्रिएट करेंगे कि आप एम्बेरस भी नहीं हो, और एक सिस्टम के थ्रू हम आपको फुटबॉल खेलना सिखाएं, और फुटबॉल खेलते हुए आपको ग्रेड ना करें, ठीक है? उससे स्टूडेंट बहुत तंग होते हैं, क्या हर चीज के आपको नंबर देंगे. तो एक ऐसा माहौल हो जिसमें आप फ्रीली कम्युनिकेट कर सकें विदाउट बीइंग द हैविंग द फियर ऑफ गेटिंग ग्रेडेड. और ग्रेडिंग एक्टिविटीज अलग हो, ठीक है? तो क्या एक्टिविटीज हम क्लास में रखेंगे, लेट्स सी, राइट? सो इन एवरी क्लास वील कॉल इट कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स लैब. जिस तरह आपकी फिजिक्स लैब होती है ना, ये कोर्स थ्योरी नहीं है, ये लैब है, ठीक है? इसमें आपने प्रैक्टिकल करना है. तो इन एवरी क्लास 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे, ठीक है? ऑनलाइन न्यूज़पेपर, अपने पसंद का न्यूज़पेपर, इंग्लैंड का, अमेरिका का, गल्फ का, सऊदी अरेबिया का, पाकिस्तान का, जो आपका दिल चाहे, ठीक है? और उसकी क्या किस तरह करेंगे वो भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं, राइट?
in every class there's going to be a group discussion, right? So group discussion topic we'll get, and we'll have a live group discussion in class. In every class there are going to be interviews, ठीक है, क्योंकि आप सब यहाँ पढ़ने के लिए आए कि आगे जॉब लें, एंड होपफुली सम ऑफ यू बिकम एंटरप्रेन्योर्स आल्सो, बट इंटरव्यूइंग स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इंटरव्यू में हम आपको चलने का तरीका भी सिखाएंगे, बैठने का तरीका भी सिखाएंगे, बोलने का तरीका भी सिखाएंगे, और क्या बातें करनी है वो भी सिखाएंगे। और इतनी दफा आपने इंटरव्यू दिया होगा दैट बाय द टाइम यू रियली गो फॉर इंटरव्यू यू आर गोइंग टू एस ऑल योर इंटरव्यूज इंशाल्लाह, एंड एवरीबॉडी सिंगल वन ऑफ यू विल गेट द जॉब ही और शी डिजायर्स। अच्छा, कोर्सेरा मैं कंपलसरी करना चाहता हूँ, मगर बाकी इंग्लिश टीचर्स जो थे उन्होंने एग्री नहीं किया। सो वी हैव गॉट 8,000 लाइसेंसेस ऑफ कोर्सेरा फॉर स्टूडेंट्स, एंड आई एनकरेज एवरी वन ऑफ यू टू रजिस्टर फॉर कोर्सेरा, ठीक है। उसको सिर्फ आप यूटी के एड्रेस से करते हैं, आई गिव यू द वेबसाइट थ्रू विच वेबसाइट यू कैन रजिस्टर एंड टेक एनी कोर्स यू लाइक बट रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। सो अबाउट इंटरव्यूइंग, अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, अबाउट लीडरशिप, हाउ टू टॉक लाइक टेड, any course you can take but related to communication skill, and we'll ask you to come and teach us, theek hai, course ke dauran aap mujhe batayega okay this is what I'm learning, but uska fayda ye hoga ki aap log world level pe expose ho jayenge, theek hai, bajaye ki kuwe mein baith ke hum communication skill dekhe, you will see what others in the world are doing for communication skills, right, and it will add to you. So we'll not put a grade for it, first I was going to, but other English teachers said that let's not put a grade for it, let's make it voluntary. But give the students a free license. तो ये आपको पता है $100 का कोर्स होता है, $300 का कोर्स होता है, but we'll get the free license to you inshallah. So ये जो जितनी group activities हैं इसमें attendance compulsory, right? So you cannot miss. शर्माना नहीं है उस दिन, आपने आप group activity participate करना है, right? और मेरी class में ऐसा भी था, when I started group activities some time back, there was a student who used to stammer. तो वो अपना medical report लाया, हकलाता था, उसका physical problem था. तो मेडिकल रिपोर्ट लाया कि जी मुझे आप इससे एक्सक्यूज करें, सो आई सेड नो यू हैव टू पार्टिसिपेट, और जब उसने पार्टिसिपेशन की उसका अकलाना ठीक हो गया, उसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल स्मूथ, एक झटके के बगैर उसने प्रेजेंटेशन की, राइट। सो जो आपके मेंटल फियर्स हैं वगैरह वो निकल जाएंगे, सब फ्रेंड्स ही है ना, और ग्रेड तो मैं नहीं कर रहा आपको न्यूज़पेपर रीडिंग पे, ग्रुप डिस्कशन पे, ठीक है, बट आप खूब बातें करें, खूब जितना आप करेंगे ये क्लास में आपकी तबीयत, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो खुल जाएगी, विच इज वेरी एसेंशियल फॉर इंजीनियर्स इन ऑल सिनेरियोस, ठीक है। तो रोल नंबर वाइज आपको सेशन अलॉट होंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आपको नेक्स्ट सेशन के लिए आपको अलॉट करेंगे कि ये 5 न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे, ये 5 ग्रुप डिस्कशन करेंगे, उस दिन आपने मिस नहीं होगा, बीमार भी हो घर से आप अटेंड करें, ओके, यस सर, ठीक है, ग्रेट, ओके, क्वेश्चन सो फार, नो सर, अच्छा अपना अपना माइक बंद कर लें, ठीक है, कोई बैकग्राउंड माइक ऑन है, अदरवाइज आई कैन आई हैव द माइक कंट्रोल्स आप लोगों का, बट आई विल हैव टू स्टॉप एंड शेयर, ठीक है सर। जनाब कहें, मोस्ट वेलकम, अजलाल कहें आप सर, ये कोर्स है जो आपने बताया ना, तो ये ऐप डाउनलोड करें, ये ऐप तो डाउनलोड किए हुए है सर, लेकिन गूगल पर जाए, नहीं आई विल सेंड यू अ लिंक, राइट, गिव मी अ वीक, तो मैं उसका लास्ट सेमेस्टर हमने कोर्सेरा से बात की थी और यूटी के लिए 8,000 लाइसेंस हमने फ्री मांगे थे, अभी मैं दोबारा उस कोशिश में लगा हुआ हूँ, एक दफा वो हमें लिंक भेज दें तो उस लिंक पे जाके आप रजिस्टर करेंगे यूईटी के एड्रेस से, आपको फ्री होगा, कोर्सेरा आपको पहचान लेगा कि आप यूईटी से आ रहे हैं, और आप कोई भी कोर्सेरा, ये तो आप कम्युनिकेशन का स्किल कोर्स मेरे लिए लें, अपने लिए जो मर्जी लें, अकाउंटिंग का कोर्स, फाइन आर्ट्स का कोर्स, ड्रॉइंग का कोर्स, जो दिल चाहता है आप करें, ठीक है, ओके सर, गिव मी अ वीक इंशाल्लाह, आई विल गेट द लाइसेंस टू यू, एक्सक्यूज मी सर, हाँ कहें, मोस्ट वेलकम, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम उमर, वेलकम, कहें सर, आपने जो बात की ना कि ग्रुप डिस्कशन होगी, तो सर ये क्या आउट ऑफ क्लास करेंगे हम 5-5 बंदे, या जो ना क्लास के दौरान ही करेंगे, राइट, तो नेक्स्ट क्लास में जो ग्रुप डिस्कशन होगी, दोस 5 पीपल इसी जूम में अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, ठीक है, उस दिन आपने फॉर्मली ड्रेस हो कराना है, किसी ऐसे जगह बैठना है जहां आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, है ना, घर में, बाहर में, कॉलेज आ जाए, हॉस्टल में आ जाए, ठीक है, तो ऐसी जगह करें जहां आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, तो इधर ही होगा, जूम पर ही होगा, कैमरा ऑन, ओके सर, ठीक है, ओके, क्वेश्चंस, ओके, अब जाते हैं ग्रुप डिस्कशन के ऊपर, ठीक है,
सो इन एवरी क्लास वील हैव ए ग्रुप डिस्कशन फॉर अच्छा न्यूज पेपर रीडिंग के मैंने नेम्स नहीं बताया आपको सो मैंने मार्क किए हुए लेट मी जस्ट टेक आउट द पेपर राइट सो फॉर न्यूज पेपर रीडिंग आप लोग मुझे भी इसी के साथ अपना प्रेजेंट भी कर लेंगे अरीबा अख्तर आर यू देयर इन क्लास माइक ऑन करके यस नो कह दें यस सर ओके राइट सो नेक्स्ट वीक आप न्यूज़पेपर के 5 मिनट 3 to 5 मिनट रीडिंग करेंगे ठीक है ओके सर रुबाब सगीर आर यू देयर इन क्लास यस सर ओके सेम राइट न्यूज़पेपर रीडिंग फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स जो आपके हैं वो न्यूज़पेपर रीडिंग के मोहम्मद हुजैफा यस सर गुड हां न्यूज़पेपर रीडिंग नेक्स्ट वीक उसका प्रैक्टिस करें तो क्लास में पहली दफा नहीं पढ़ना क्लास में आने से पहले 5 दफा आपने प्रैक्टिस की हो उस दिन स्मूथ पढ़ें कैमरा ऑन करके पढ़ें आई कंटैक्ट रखें ऊपर सर उठा के पढ़ें ठीक है तो आपका बॉडी लैंग्वेज वगैरह हर चीज जो है उस पर आई गिव यू फीडबैक नॉट क्रिटिसिज्म बट एक उस्ताद के तौर पर आपको फीडबैक होंगे देखो ऊपर देखना सीधा देखना आंखों में आंखें डालनी है ठीक है तो ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स के ओके सो राइट दैट्स गुड शम्सुर रहमान Shams, are you there in class? Yes, sir. Okay, newspaper reading. Mohammed Umar Khan. Yes, sir. Okay, good. This is newspaper reading. Okay, okay. 5 students. Then, okay. Next class, then I will shift. I will tell you the next 5. So now, everyone will be clear today, 1 week before, what I have to do in the next class. Okay? Okay, sir. Thank you. Group discussion. Right? The group discussion ka ek topic, jo hai, hum, aapko... अच्छा सो हॉट 8 बेटा या बेटी आप कौन है एडमिट किए अच्छा बेटा या बेटी जो भी है नाम चेंज करना है ठीक है आपने अपना रियल नेम रखना है इस तरह का नहीं नेम रखना ओके सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम टू क्लास यू मस्ट डिस्प्ले योर प्रॉपर नेम ओके अच्छा सो राइट ग्रुप डिस्कशन के लिए उरूज गुल प्लीज माइक ऑन करके बता दें यस सर ओके आप ग्रुप डिस्कशन नेक्स्ट वीक करेंगी क्या होगा टॉपिक आई विल टेल यू मोहम्मद अब्दुल रहमान गजाली यस सर ओके अजलाल जमील यस सर गुलाम नसीर इकबाल ओके मोहम्मद गुलाम नसीर इकबाल उसको बता देंगे उसके फ्रेंड्स ठीक है कोई फ्रेंड है गुलाम नसीर इकबाल का अदरवाइज उसका वो एब्सेंट हो जाएगा राइट इसकी मैं ग्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ बट वो एक हाजिरी कम हो जाएगी 75% हाजिरी पे हम एग्जाम में बैठने देते हैं ठीक है तो ये मिस नहीं हो सकता थ्योरी क्लास मिस हो सकती है मगर ग्रुप एक्टिविटी मिस नहीं हो सकती एंड मोहम्मद दाऊद जलाल दाऊद हाँ ठीक है अच्छा ग्रुप डिस्कशन आप क्या करेंगे राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इन रियल लाइफ इसकी आप तैयारी करें अच्छा ग्रुप डिस्कशन को मॉनिटर किस तरह करेंगे अभी बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में ठीक है सो आई हैव रेड आउट द नेम्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स अब देखते हैं ग्रुप डिस्कशन किस तरह होगी एक्सक्यूज मी सर हाँ यस यस वेलकम कहें सर अगर पॉइंट्स कॉमन हो तो उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा अभी बताता हूँ ठीक है बिल्कुल ठीक है कि पॉइंट्स कॉमन हो सो इन द ग्रुप डिस्कशन देयर विल बी वन लीडर राइट वन मॉडरेटर ये ग्रुप डिस्कशन के इंटरनेशनल डायनामिक्स हैं ठीक है जब आप एक 20 का ग्रुप या 4 का ग्रुप हो तो हर कोई अगर बातें करना शुरू हो जाए इट विल लीड नो वेयर ठीक है तो लीडर का क्या काम है आपको सिखाएंगे मॉडरेटर का क्या काम है आपको सिखाएंगे टाइमकीपर का क्या काम है आपको सिखाएंगे और नोट टेकर का क्या काम है आपको सिखाएंगे अच्छा चूंकि 5 ही हैं अगर 4 को हमने ड्यूटीज पकड़ा दी तो डिस्कशन कौन करेगा राइट सो इन दिस केस वील आस्क द लीडर टू लीड मॉडरेट एंड टाइम कीप ठीक है आप अपने आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में आपस में आप पहले से डिसाइड कर लें अच्छा तो लीडर सब में कम बोलता है ये लीडर की खासियत है वो सुनेगा राइट और लिसनिंग स्किल्स भी आपको सिखाएंगे मॉडरेट करेगा लीडर जब टॉपिक से लोग हटने लगे ठीक है और टाइम का ध्यान रखेगा कि 3 to 7 मिनट बाद बोलेंगे 1 मिनट मोर एंड वी क्लोज ठीक है तो लीडर ने बस सुनना है डिस्कशन को ट्रैक पे रखना है इधर उधर ट्रैक से नहीं उतरने देना है अच्छा फिर एक नोट टेकर होगा आपस में डिसाइड कर ले कौन नोट टेकर ठीक है उसने डिस्कशन के मोटे मोटे पॉइंट्स नोट करने और नोट टेकर की क्या ड्यूटी होगी
कि जो हमने आपको 3 to 7 minutes दिए डिस्कशन के, 7 to 10 minutes, 7 minutes में हम डिस्कशन क्लोज करेंगे, 3 minutes में द नोट टेकर विल टॉक, ठीक है? तो बेशक डिस्कशन के दौरान खामोश रहे, बोले या ना बोले, ठीक है? सो लेट द अदर 3 people टॉक, लेट द लीडर बी द ट्रेन मास्टर, कीप थॉट्स ऑन ट्रैक, एंड नोट टेकर ने एंड में समराइज करना होगा. इसमें आपके स्किल्स डेवलप होंगे. रियल लाइफ में जब आप जाएंगे ना बड़ी मीटिंग्स में, तो जो नोट टेकर है उसको पता होगा, अच्छा मैंने डिस्कशन को समराइज किसका करना है. 10 minute की डिस्कशन को 3 minute में किस तरह बोलना है. कभी कभी 3 घंटे की डिस्कशन को आपको 3 मिनट में समराइज करना होगा, ठीक है? तो बहरहाल ये सब आपकी ट्रेनिंग है. एज इंजीनियर्स दे आर ऑलवेज टीम मीटिंग्स. कोई क्राइसिस हो जाती है फैक्ट्री में और फिर आपने बॉस को 3 मिनट में बताना होता है कि जी हमारे डिस्कशन का रिजल्ट क्या है, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चंस करें. जिन्होंने ग्रुप डिस्कशन करना है, समय पहले आप पूछें, आर यू क्लियर? आप लोगों ने क्या करना है सर, थोड़ा रिपीट करें. ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन में 5 नाम हमने अनाउंस किए, ठीक है? अच्छा, तो फिर आप शाम को व्हाट्सएप में आपस में कम्युनिकेट करके डिसाइड करेंगे हम इसे लीड कौन करेगा. अच्छा, तो नॉर्मली आपके ख्याल में जो ज्यादा समझदार हो, तदब्बर वाला हो, रिएक्ट ना करता हो, उसको लीडर रखें, ठीक है? तो लीडर में सब्र होना चाहिए, राइट? और वो सबकी बस सुने, बोले कुछ नहीं, सुने, ठीक है? तो लीडर की हम लिसनिंग स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ए लीडर, ठीक है? अच्छा, तो वो मॉडरेटर भी है. जब देखेगा ट्रैक से डिस्कशन उतर रही है, लोग इधर उधर की गप्पे मार रहे हैं, तो अपने एक्सक्यूज मी मिस्टर सो एंड सो और मिस सो एंड सो, आई थिंक वी आर, और पोलाइटली कहना है, झगड़े नहीं कर रहे, ठीक है? वी आर आई थिंक गोइंग ऑफ द टॉपिक, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक विच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इन रियल लाइफ, ठीक है? तो लीडर का ये काम होगा. लीडर जो है, लीडर भी है, मॉडरेटर भी है, और घड़ी को भी देखेगा क्योंकि वो बोल कम रहा है. अच्छा, एक आप 5ों में से नोट टेक करो, वो सिर्फ सुन रहा होगा, इसने क्या कहा, इसने क्या कहा, और नोट्स ले रहा होगा, ठीक है? और अपने माइंड में ही समराइज कर रहा होगा या कर रही होगी, डिपेंडिंग, ठीक है? तो और हर एक जो अपने एंड में उसने जो 7 मिनट की डिस्कशन है उसको 1 sentence या 2 sentence में समराइज कर, ये नोट टेकर का काम है, ठीक है? तो और बाकी 3 लोग डिस्कशन कर रहे होंगे, ठीक है? इसी तरह फिर अगले 5 की बारी आएगी. शायद आप में से हर कोई लीड ना कर सके, हर कोई नोट टेकर ना कर सके, मगर गेम आप समझ जाएंगे. पूरी क्लास में इतनी डिस्कशंस आपने सुनी होंगी कि आप जिसमें एबिलिटी नहीं है समराइज करने की, उसमें भी समराइज करने की एबिलिटी आ जाएगी, ठीक है? क्वेश्चन पूछे, ग्रुप डिस्कशन के लिए तैयार है? ग्रुप लीडर यही है. अच्छा, ठीक है, वो आप लोग आपस में डिस्कस करें, ठीक है? सर दाऊद जलाल की. ओके, ना आई वांट आप खुद डिसाइड करना है. ये आप लोग खुद डिसाइड करें, कंसेंसस से करें, ठीक है? तो ये भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं. आपस में झगड़े करेंगे, पहले मैं लीडर हूँ, मैं लीडर हूँ, तुम लीडर हो, तुम लीडर हो, तो उसके जरिए आपका कंसेंसस डेवलप होगा, ठीक है? और ये भी हम आपको सर अजलाल कहें सर, झगड़ा नहीं करते, बस दाऊद जलाल की के सर. अच्छा, ठीक है, दैट्स अप टू यू. ओके, एक्सक्यूज मी सर. अच्छा, आगे चलते हैं, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, जिस तरह, हाँ, यस प्लीज गो अहेड, सॉरी, बोले बेटा. एक्सक्यूज मी सर, कहें आप, आगे कहें. सर कह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर रीडिंग जो है उसमें टॉपिक हम खुद सिलेक्ट करेंगे, मतलब शोबिज़ स्पोर्ट्स वगैरह. वेरी गुड, बहुत सही सवाल पूछा आपने, ठीक है? द टॉपिक शुड बी रिलेटेड टू एजुकेशन, साइंस और इंजीनियरिंग, ठीक है? थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई पॉलिटिकल टॉपिक आ जाए या कोई ऐसा टची टॉपिक आए कि क्लास के कुछ स्टूडेंट्स खुश हों, कुछ खफा हों, ठीक है? तो पहली क्लास में हम ये नहीं स्टार्ट करना चाहते, ठीक है? जबकि रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में आपको डील करना पड़ता है, कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग खफा होते हैं, बट इन द बिगिनिंग टू स्ट्रीम लाइन इट, we want to keep the topic related on education, on science or engineering. ठीक हो गया सर? उसमें तो फिर सिर्फ शफकत महमूद ही होगा हेडलाइन. इट्स ओके, आप क्राइसिस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इन वर्ल्ड देखें, क्राइसिस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इन बांग्लादेश, इन इंडोनेशिया, दूसरे लोग किस तरह सफर कर रहे हैं, कोविड में क्या हो रहा है और क्या चीजें हैं, वैक्सीन कौन सी लगानी चाहिए, ठीक है? ये टॉपिक्स पे थोड़ा सा रिसर्च करें, अच्छा आर्टिकल ढूंढें, पढ़ें, क्लास से शेयर करें, ठीक है? तो इसके अंदर इन ऑल दीज थिंग्स, इन न्यूज़पेपर रीडिंग, आई विल बी लर्निंग फ्रॉम यू एंड वी विल ऑल बी लर्निंग फ्रॉम ईच अदर. थैंक यू सर. ठीक है,
तो देखिए असल में ग्रुप डिस्कशन में जो मैंने कार्टून डाला यही होगा, ठीक है, बट इट्स ओके, राइट। ग्रुप डिस्कशन का भी आप, अच्छा अब इंटरव्यू, राइट। सो एवरी क्लास विल हैव 5 इंटरव्यूज ऑफ 3 to 5 मिनट्स ईच, ठीक है। 5 आपके लोग इंटरव्यू में अपीयर होंगे और 5 आपके लोग इंटरव्यू लेंगे, मतलब सवाल पूछेंगे, ठीक है। अच्छा तो नाम अनाउंस कर देता हूं कि सवाल कौन पूछेगा और इंटरव्यू में अपीयर कौन होगा। अच्छा सो वी चूज अ टॉपिक फॉर इंटरव्यू, ठीक है, कि इंटरव्यू में तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स टीचर, ठीक है। तो हमने एक यूटी ने जॉब एडवर्टाइज की है, वी नीड ए कम्युनिकेशन स्किल्स टीचर, और उसके लिए आप अपीयर हो रहे हैं टू बिकम अ टीचर, ठीक है। फिर उसके बाद हम इंजीनियरिंग जॉब्स भी करेंगे एडवर्टाइज, और एक एक डिफरेंट जॉब होगी, राइट। एवरी वीक विल बी अ डिफरेंट जॉब, और उसकी अब तैयारी करनी होगी आपने, ठीक है। और क्या तैयारी करनी है, क्या सवाल है, पर्चा पहले से आउट कर देते हैं, एंड फिर मैं 5 नाम बताता हूँ मैंने डेजिग्नेट किए हुए कि कौन 5 इंटरव्यू लेंगे और कौन 5 लेंगे। अच्छा सो वन ऑन वन हम करेंगे, और ये कैमरा ऑन की तरह और ऑन के साथ होगा, और जो इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहा है दैट पर्सन ने एक्स्ट्रा कैमरा रखना है कि वो डोर से वॉक करे, ठीक है। आपको हमने वॉक करने की भी तरबियत देनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने नॉर्मली देखा इंटरव्यूज में दैट द मोमेंट अ कैंडिडेट वॉक्स फ्रॉम द डोर, तो इंटरव्यूज जो है वो डिसीजन ले चुके होते हैं कि इसको हमने रखना है, इससे पहले कि वो बैठे और इससे पहले कि वो बोले, ठीक है। तो आपकी वॉक इतनी पावरफुल है, और यही आप भी करते हैं बचपन से, ठीक है। जब टीचर क्लास में आता है ना, इससे पहले कि वो मार्कर उठाए और इससे पहले कि अपना मुंह खोले, आपको पता होता है कि ये हमारा पूरा सेमेस्टर जाया करेगा, ये कुछ पढ़ाएगा, ये कुछ नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये बॉडी लैंग्वेज, कितना हम एनर्जी कैरी करते हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। और आपने देखा है आप अपने टीचर्स को सही जज करते हैं, और आपकी जजमेंट सही निकलती है पूरे सेमेस्टर तक, जो फर्स्ट डे आपने जज किया होता है ना वो सही निकलती है, राइट। सो जो इंटरव्यू करने वाला है आपने फॉर्मली ड्रेस को कराना है, ठीक है। फॉर्मली ड्रेस शलवार कमीज कोटी भी हो सकती है और पैंट शर्ट भी हो सकती है, टाई नहीं कहते हैं। जितने हम अभी फैक्ट्री से बात कर रहे हैं, कहते हैं इंजीनियर्स नॉर्मली टाई नहीं पहनते, टाई का मशीन में अटकने का डर होता है। और बाय द वे इंजीनियर्स की जितनी जॉब्स हैं, राइट, उसका सेफ्टी रिक्वायरमेंट एक्चुअली पैंट शर्ट, राइट, क्योंकि वो कपड़े नहीं पहनते। बाकी ठीक है, आप जब ऑफिस में आ जाएं दे कैन चेंज। सो इधर वे अपने फॉर्मल ड्रेस होकर आना है, नीट ड्रेस होकर आना है, ठीक है। और फीमेल्स शलवार कमीज दुपट्टा जो भी पहने, बट नीट ड्रेस होकर आना है, ठीक है। ओके, तो आप फ्रॉम ड्रेसिंग अप टू वॉकिंग टू सिटिंग, ठीक है, टू टॉकिंग, इस सब की तरबियत होगी, राइट। और गलतियां करें, मेक मिस्टेक, कोई मसला नहीं पड़ता, ठीक है। और क्लास भी ठीक है, हंसे वगैरह सब दोस्त हैं, डजंट मैटर, राइट। मगर ये तरबियत ना दी और हमने आपको ग्रेजुएट किया, वो हमारी गलती होगी, ठीक है। तो ये तरबियत देनी है। हर इंजीनियर जो यूईटी का ठप्पा लेके बाहर निकलता है उसकी साइंस मैथ ठीक होती है, मगर ये चीजें भी हमारी जिम्मेदारी है, यूईटी की जिम्मेदारी। ओके, ठीक है जी। अच्छा सो 5 स्टूडेंट्स विल अपीयर फॉर द इंटरव्यू, 5 स्टूडेंट्स विल टेक द इंटरव्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट 5+5 स्टूडेंट्स, मैं आपके नाम पढ़ के सुनाता हूँ। सो पहले 5 जो है ये इंटरव्यू लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट 5 जो इंटरव्यू देंगे। तो इंटरव्यू लेने वाले, सवाल पूछने वाले हैं उमर दराज खान, प्लीज माइक ऑन करके यस करें। यस सर। ओके, थैंक यू उमर। मोहम्मद आदिल, आप इंटरव्यू लेंगे। Yes, sir. Thank you. Mohammad Adil. Thank you, Adil. Mohammad Saif, आप इंटरव्यू लेंगे। Yes, sir. ठीक है। और सऊद अहमद खान, आप इंटरव्यू लेंगे। Yes, sir. बिलाल खान, आप इंटरव्यू लेंगे। बिलाल, अच्छा बिलाल का फ्रेंड बता दें, अदरवाइज ही इज एब्सेंट। बिलाल नहीं क्लास में, नहीं। ओके, बिलाल क्लास से चला गया, मतलब एडमिशन कैंसिल कराया, मैं नाम काट दूं? एडमिशन कैंसिल किया सर। ठीक है, मंजूर अमीन का मेरे पास था कि एडमिशन कैंसिल हुआ है, बट बिलाल का नाम जो है एडमिशन कैंसिल में नहीं है, ठीक है, काट। बिलाल अभी तक क्लास में नहीं आया सर। ओके ओके, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो, मैं नाम काट। ओके राइट, अच्छा अभी नेक्स्ट 5 नाम जो लूंगा आप लोगों ने इंटरव्यू देना है, ठीक है, सवालों की। और सवाल क्या है अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आपको, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा सो आरिफ अली खान, यू आर ए कैंडिडेट फॉर द टीचर पोजीशन, ठीक है। सनाउल्ला जहूर, यू आर ए कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू।
सनाउल्ला ओके सनाउल्ला का फ्रेंड उसको कॉल करके बता दें अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में एब्सेंट होगा ही विल बी मार्क्ड एब्सेंट तलहा रहमान यस सर ठीक है आप एज ए कैंडिडेट अपीयर होंगे ठीक है सर काशिफुर रहमान काशिफ ओके उसका फ्रेंड बता दे ही हैज टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू यस सर ओके एंड सैयद एहसान हुसैन शाह सैयद एहसान यस सर ठीक है बेटा आप एज ए कैंडिडेट अपीयर होंगे अच्छा तो अब सवालों की जो तैयारी कर रहा है क्या तैयारी करनी है और जवाबों की जो तैयारी कर रहा है इसमें सर क्या तैयारी करनी है देख सर यस यस हमें एक्सक्यूज मी सर जी बेटा बोले सर एक स्टूडेंट ने क्लास लीव किया था इंटरनेट की वजह से वो अब कहते कि मुझे लॉग कर मेरे पास कोई भी एडमिट में नजर नहीं आ रहा मैं देख लेता हूँ डोंट वरी मैं भी देख लेता हूँ ठीक है सर ठीक है अभी देख लेता हूँ ओके वो एडमिट का ऊपर नजर आता है एक बंदा भी एडमिट में नहीं है ठीक है उससे कहीं गूगल क्लासरूम में तो नहीं चला गया आस्क हिम टू जॉइन द जूम क्लास ठीक है आपके गूगल क्लासरूम में जूम का एक लिंक है उसने पहले ज्वाइन किया था सर लेकिन बाद में उसने इंटरनेट की वजह से कोई मसला हुआ ठीक है कोई बात नहीं रिकॉर्डिंग उसको मिल जाएगी और आप मेरी स्क्रीन देख सकते नहीं है ओके सो लेट्स गो बैक टू शेयर स्क्रीन एंड लेट्स गो बैक टू द अच्छा जनाब तो इंटरव्यू क्लास में क्या देना है ठीक है सो ये इंटरनेशनली मैंने देखा है ये 6 सवाल ठीक है सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन होगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ मिनट 2 मिनट में जवाब दें राइट फिर व्हाट आर योर मेजर अचीवमेंट्स जरूरी पढ़ाई क्यों आप बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर थे ठीक है बेस्ट अपने विलेज के हॉकी प्लेयर थे ठीक है तो जो भी मेजर अचीवमेंट है वो आपने बताना है अच्छा तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है राइट और अभी वी हैड गॉन टू पाकिस्तान टोबैको कंपनी जस्ट अ फ्यू वीक्स बैक और हमसे आजकल हम हर फैक्ट्री में जा रहे हैं और हम पूछ रहे हैं कि हमारे ग्रेजुएट में क्या कमी ठीक है और वो कमी हमने ठीक करनी क्या व्हाट कैन वी डू सो दैट यू हायर यू ठीक है तो उन्होंने बताया जी कि हम जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो ये सवाल उन्होंने बताए थे व्हाट आर योर मेजर फेलियर्स सो आपके स्टूडेंट कहते हैं जी हमने कोई फेलियर नहीं है हमने तमाम उम्र सेलिंग गुजारी है कहते हैं इट्स नॉट पॉसिबल और फैक्ट्री में डेली फेलियर्स होते हैं डेली चीजें टूटती हैं बड़े बड़े क्राइसिस होंगे तो जो शख्स अपने फेलियर से डील करना ना जानता हो वो फैक्ट्री में पहले दिन ही फेल हो जाए राइट सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने लाइफ में फेलियर्स देखी और फेलियर से उठना सीखो बिल्कुल टूट के गिर के उठना सीखो रोए हो और उठना सीखो ठीक है तो जो भी पर्सनल फेलियर से नहीं गुजरा होता वो फैक्ट्री नहीं चला सकता राइट सो फील फ्री टू डिस्कस योर मेजर फेलियर्स कि मेरे साथ ऐसा वाक्य हो गया था और फिर मैं इस तरह उठूं ठीक है अच्छा फिर ये जरूर पूछते हैं कि हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट इफ यू हायर मी ठीक है हर कोई आपने कभी ये नहीं कहना मुझे नौकरी चाहिए और मैं बहुत पुअर फैमिली से हूँ और ये फैक्ट्री को फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है वो इसलिए किसी को नौकरी नहीं देंगे क्योंकि आपको जरूरत है उन्होंने अपनी फैक्ट्री चलानी है तो आपने तैयारी करनी है हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट इस सवाल का जवाब तैयार करना है और हर दफा सवाल यही 6 होंगे कोई 7वां ऐड कर सकते हैं मगर जॉब फर्क होगी जॉब डिफरेंट होगी अच्छा व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स फॉर नेक्स्ट ईयर इसमें आपने ग्रोथ बतानी है कि आप एम्बिशियस हैं ठीक है आप राइज करना चाहते हैं उस फैक्ट्री में ठीक है आप चीफ इंजीनियर बनना चाहते हैं और एंड में आपने बताना है कि ये जो 200 लोग इंटरव्यू के लिए आए उसमें से व्हाई शुड बी हायर यू आप में कौन सी ऐसी खूबी है ठीक है अच्छा तो ये आपके इंटरव्यू का मैंने पर्चा आउट कर दिया है आपसे अब आप बताएं क्वेश्चन पूछें आप लोग जिन्होंने इंटरव्यू देना है तो वो पूछें इंटरव्यू का सवाल पूछना है वो पूछिए देन वी विल गो फर्दर सर एक क्वेश्चन हम करेंगे मतलब लेने वाले राइट ये बस ये आपका मतलब पर्चा बनाया हुआ है ठीक है तो आपने हर एक ने पहले यही पूछना है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो आपका नेक्स्ट पेयर जो है वो जवाब देगा दैट माय नेम इज मोहम्मद इरफान आई एम सो एंड सो इस तरह ओके सर इंटरव्यू 1-to-1 होगा 1-to-1 होगा तो जो 5 नाम है वन ऑन वन आई विल प्रिपेयर मैं कहूंगा अच्छा मिस्टर सो एंड सो प्लीज टर्न योर कैमरा ऑन एंड मिस्टर सो एंड सो प्लीज टेक योर कैमरा ऑन वॉक इन करें बैठे और जवाब दें आप पूछें तला सर आदिल सर ये जो इंटरव्यूअर होगा जो इंटरव्यू ले रहा होगा वो ये सारे क्वेश्चंस पूछेगा कैंडिडेट से सारे क्वेश्चन पूछेगा ठीक है
सात मिनट का इंटरव्यू है, एक एक मिनट में जवाब देना है, लंबी कहानी नहीं सुनानी। सही है, सही है, ठीक है। सारे नहीं, पांच पूछने, टाइम शॉर्ट हो रहा हो, कोई मसला नहीं, बट प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये इंटरव्यू इज नॉट ग्रेडेड, ये सारी एक्टिविटीज हम आपको करा रहे हैं, ग्रेडिंग नहीं करा रहे। वो ग्रेडिंग क्या चीज है वो फिर हम आपको अलग बताएंगे, किन चीजों पे आपकी ग्रेडिंग, ठीक है। वो कोर्स आउटलाइन, मार्किंग स्केड्यूल वगैरह मैंने डाल दिया, वो भी आप पढ़ लें, क्लास में आल्सो आई विल गो थ्रू। अच्छा सर, सिलेक्शन और रिजेक्शन भी करेंगे? गुड क्वेश्चन, बिल्कुल आप डिसीजन दे सकते हैं, इंटरव्यू ठीक हुआ, इंटरव्यू वॉज गुड, एवरेज, बस ये पुअर नहीं दे, ठीक है। आप ये बता दें, सिलेक्टेड रिजेक्टेड भी नहीं करें, ठीक है, बस बता दें गुड। और आप भी फीडबैक दे सकते हैं, और हर इंटरव्यू के बाद एज ए उस्ताद मुझे भी फीडबैक देनी चाहिए, सवाल पूछने वाले को भी और सवाल देने वाले को। इंटरव्यू दे रहे सर, वो किस तरह वर्कआउट करेगा सर, मतलब? हाँ राइट कहें, जो इंटरव्यू दे रहा है, ओके लेट्स ट्राई, ठीक है। फॉर्मल ड्रेसिंग, ठीक है, फॉर्मल ड्रेस पहने, शलवार कमीज कोटी और एनीथिंग, राइट। सो यू वॉक इन टू द क्लास, यू शुड स्टैंड स्ट्रेट की प्रैक्टिस करनी है, दीवार से अपने कंधे लगाएं और अपनी एड़ियां लगाएं, सारा दिन आपने इस तरह वॉक करना है, झुक के वॉक नहीं करना, ठीक है। स्टैंड स्ट्रेट, वॉक इन, मैं कम इन सर, फिर आपके टेबल के पास खड़े हो जाएं, और वो इंटरव्यू जो सवाल पूछ रहा है वो बोलेगा प्लीज सिट, ठीक है, फिर आप बैठें, राइट। इन जनरल टोटली लीन बैक इज नॉट गुड, too much forward is too anxious, straight and hands folded is better, theek hai, posture ke sath, have a smile on your face, theek hai, you shouldn't be scared, aur jo interview lene wala hai uska sabse pehla farz banta hai ki interview dene wale ko comfortable feel kare, theek hai, aati wale ki tarah sawal nahi puchne, theek hai, to okay aap kahenge okay welcome Mr. Adil, welcome to UET Peshawar, and today you are giving interview for the position of communication skills teacher, we wish you all the best, can you please introduce yourself, theek hai, to sawal puchne ka andaaz bhi polite hona chahiye, theek hai, aajkal bahar ki duniya mein wo polite ho gayi hai, theek hai, to aapne rough nahi puchna, to dono ki training hai, sawal puchne wale ki bhi, sawal jawab dene wale ki bhi, theek hai, and at the end of interview main dono ko feedback dunga, theek hai, aur feedback ka maqsad basically yahi hai, yes Azlal, just a minute Azlal, aap kahe sawal puchhein Azlal, sir ne सर लैंग्वेज का कोई मसला तो नहीं, इंग्लिश, इंग्लिश ही करते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, लेट्स कोई कर सकते हैं, सॉरी मुझे इंग्लिश नहीं आती ना, इसलिए कह रहा हूं, राइट, सो लेट्स प्रैक्टिस, राइट। अच्छा मैं अच्छा आपको ऐसे बताते तो हम लोग, मैं कैरेट कॉलेज को हार्ट से पढ़ा हूं ना, तो उधर हमारे ऊपर क्या रूल होता था, हॉस्टल के अंदर ही ना स्टूडेंट्स एक दूसरे को फाइन करते थे, कहते हैं कि बस इंग्लिश ही बोलनी है, ठीक है, और जैसे इंग्लिश के गलत वर्ड बोलते थे तो 1 रुपी पर वर्ड फाइन होता था या 5 रुपी पर वर्ड, अच्छा इतना जुर्माना हो गया, उससे जाके साथ चाय पीते थे। अच्छा तो कब करेंगे, तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि आपने देखा है कि हॉस्टल के अंदर हर किस्म के बैकग्राउंड से आते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल से, गाँव से, ठीक है, बहुत ही दूर दराज इलाके से, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ 3 to 5 years सब एक जैसे हो जाते हैं, तो यहाँ बिल्कुल आप यूईटी में आए हैं, बिल्कुल सही बात है, इंग्लिश नहीं आती, कोई कमजोरी नहीं आपकी, ठीक है, आप लोगों ने एंट्री टेस्ट दिया है, आपका साइंस एंड मैथ परफेक्ट है, ठीक है, आप अच्छे इंजीनियर हैं, राइट, तो मैं कतई उसको कम नहीं गिरदानता जिसकी अंग्रेजी कमजोर है, कोई ऐसी बात नहीं, पहले दिन टूटी फूटी बोले, बिल्कुल टूटी, एक भी नहीं हंसेगा, मेरा प्रॉमिस सारी क्लास की तरफ से, ठीक है, एक भी नहीं हंसेगा, पहले दफा बोले, जब इन 5 एक्सरसाइजेस आप गुजर जाएंगे ना आपकी इंग्लिश ठीक हो जाएगी। हाउ अबाउट टेकिंग ए कोर्स इंप्रूविंग योर स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, कोर्सेरा पे कोर्स लें, यूट्यूब पे कोर्स लें, ठीक है, बिकॉज जिस वर्ल्ड के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं ना वो इंग्लिश ऐसा नहीं कि सिर्फ काफरों की जबान है, वो साइंस की लैंग्वेज है, इंजीनियरिंग की लैंग्वेज है, टेक्स्ट बुक्स आपकी हैं, ठीक है, तो इस्लामाबाद में आप जॉब जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, और पाकिस्तान का आपको पता है जॉब मार्केट श्रिंक कर रही है, मैकेनिकल इंजीनियर्स की खास तौर पे, गल्फ में ग्रोथ है, जर्मनी में ग्रोथ है, बाहर जगहों पे ग्रोथ है, तो उसके लिए हमने आपको तैयार करना है, ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर है, कोई बात नहीं, सेकंड सेमेस्टर में किसी को भी इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, डोंट वरी, बट इंग्लिश में जवाब दें, टूटी इंग्लिश में दें, और इंग्लिश के ऊपर मार्क्स नहीं कटेंगे, जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो ये बिल्कुल नहीं कहेगा तुम्हारी अंग्रेजी गलत थी, बस इस सवाल का जवाब दो, टूटी फूटी अंग्रेजी में दो, ठीक है, फेयर असलाल, इज इट ओके, ओके सर, सर ये ठीक है, सर ठीक है, बिल्कुल,
ठीक है सब ट्रेनिंग इट्स ऑल ट्रेनिंग यू विल एंजॉय ठीक है और ग्रेड नहीं कर रहे नंबर तो नहीं काट रहा ना आपका कोई राइट तो ट्रेनिंग ले और यही तरीका है अच्छा सो इंटरव्यू के एटिकेट्स हैं ठीक है आपने फॉर्मल ड्रेस में आना है कैमरा ऑन रखना है ऐसी जगह रखना है जिससे फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा था कि दरवाजा भी नजर आ रहा हो एक कुर्सी भी नजर आ रही हो मेज नजर नहीं आएगी इट्स ओके ठीक है और आप सब ने आज से प्रैक्टिस करना है वॉक स्ट्रेट करने का और हाई एनर्जी वॉक रखें ठीक है सुस्त वॉक नहीं होनी चाहिए आप कोई गैलरी में चल रहा होता है ना आप उसको देख के अंदाजा कर लेते हैं यार ये जबरदस्त बंदा है इट्स द वे दैट ही और शी इज वॉकिंग ठीक है तो अपनी वॉक और चप्पल नहीं घसीटने ये आवाज नहीं आनी चाहिए पांव घसीटने की ठीक है तो पांव उठा के रखना सीखें और ये हमने भी प्रैक्टिस की है मैंने भी प्रैक्टिस की है दीवार के साथ खड़ा होता था कंधे लगाता था एड़ियां लगाता था और वॉक करता अपने आप पोस्चर ठीक करें अपना ठीक है तो आप सब ने भी करना राइट आस्क परमिशन टू सिट इंटरव्यू बिगिंस तंग तो नहीं हो रहे आपने कहा जी कम्युनिकेशन क्लास है हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं नो सर ये तो एंजॉय कर बहुत अच्छी है चलो आप कहेंगे जी शुक्र कर रहे हैं सर ऐसी कोई क्लास भी आई है चलिए अच्छी बात है सर वरना आप कहेंगे हम तो सोच रहे थे कि हम आराम से लेक्चर देंगे इसलिए तो हमसे काम कराना शुरू कर दिया है तो ओके नहीं सर होना चाहिए सर चलिए ठीक है कोर्सेरा का भी करना चाहते थे सर ओके आई एम ग्लैड कोर्सेरा का देखते हैं राइट मैं अब तक क्लासेस पहुंचाता हूं और बोनस मार्क भी दे ना दे वुड इट बी फेयर इन द एंड वी वांट टू बी फेयर विद एवरीबॉडी ठीक है आप सब डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो कोई ऐसा वो कि कहीं बड़ा अच्छा मैंने कार्टून देखा था कि इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइम अ ट्री इट विल ग्रो अप इट्स होल लाइफ थिंकिंग दैट इट्स स्टूपिड ठीक है ना फिश तो दरख्त नहीं क्लाइम कर सकती उसको ऐसा टेस्ट ही नहीं देना चाहिए ठीक है तो आपको जो एग्जाम्स वगैरह हैं वो फेयर हम करेंगे कि आपको कोई सोशल डिसएडवांटेज ना हो इंटरनेट डिसएडवांटेज नहीं ठीक है बाकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो तो ट्रेन करना है हमें आपको अच्छा हर क्लास के एंड में एग्जिट स्लिप्स होंगे ठीक है तो आप में से हर कोई पर्चे पे दो नई चीजें लिखेगा व्हाट न्यू थिंग डिड आई लर्न टुडे एंड व्हाट न्यू क्वेश्चंस डू आई हैव ठीक है और ठीक है तो अभी आप एग्जिट स्लिप लिखें and we'll start the next class with exit slip or class ke kuch first 5 students ke aaj introduction lete hain aur fir hum continue karenge introductions ke to take 5 minutes and write an exit slip theek hai what new thing did I learn today and what new questions do I have today sab likhen sir yani first 5 students yani sab likhen ye aapki learning hai pata writing is your learning hai na to jab tak aap kuch cheez likhte nahi hai na aapka thought clear nahi sab likhen कोई बोलेगा कोई नहीं बोलेगा मगर लिखें सब आई गिव यू 5 मिनट्स ठीक है नाम से सर किया लिख दें हम हाँ अनारुल्ला अमीन आप कहें सर हम किया लिख दें राइट अच्छा तो हर क्लास के एंड में मैं आपसे ये दो सवाल पूछूंगा ठीक है इसको हम एग्जिट स्लिप कहते हैं क्लास से जाते हुए आप व्हाट आर यू टेकिंग अवे फ्रॉम द क्लास क्लास से जब जाते हैं कोई एक चीज याद आ जाती है कोई एक नई चीज सीखी होगी ना आज ठीक है वो एक चीज लिखें व्हाट न्यू थिंग डिड आई लर्न टुडे एक लाइन लिखें ठीक है और क्लास का मकसद है कि आपके जहन में सवालों को उठाना ठीक है अगर आपके जहन में एक भी सवाल नहीं उठा मतलब कि टीचर ने आपको सुला दिया ठीक है व्हाट न्यू क्वेश्चंस डू आई हैव टुडे कोई एक सवाल तो लिखें ना कोई एक सवाल आपके जहन में पैदा हुआ होगा ठीक है और कोई एक नई चीज सीखी होगी बस एक लाइन लेफ्ट पे लिखे एक लाइन राइट पे लिखे ठीक है क्लियर यस सर ओके आप लिखे फिर 5 मिनट बाद में एट रैंडम आप लोगों से सवाल पूछूंगा एक्सक्यूज मी सर जी जी सर आप कौन से हाउस में थे इकबाल हाउस एंट्री नहीं पूछ आपके हाउस में हु इज दैट अब बताइए जैन आप पूछ यस सर हां आपके हाउस में थे अयूब अयूब वाज वेरी गुड जबरदस्त नेबर्स यस सर मैं सर आपके साथ सर आपका टाइम कैसा गुजरा बहुत एंजॉय हमारे जमाने में रगड़ा बहुत होता था अभी तो वाटर पॉलिश भी आप लोगों की नहीं होती एवरी डे फ्रंट हमारे जमाने में था सर हमारे जमाने में भी था अभी खत्म हो गया
सर आप आर्मी फिर क्यों नहीं ज्वाइन किए? अरे आदिल क्लास सर आर्मी सॉरी आदिल क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ आप आर्मी में फिर क्यों नहीं गए? आर्मी में क्यों नहीं गया? थ्रू आउट आवर लाइफ एक्चुअली डेस्टिनी टेक्स ओवर, ठीक है? इंसान सोचता कुछ है, जैसे चेस की गेम नहीं, आप मूव्स लेते हैं फिर कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। सो मैंने अपनी लाइफ में ये देखा कि डेस्टिनी टेक्स ओवर। ये सही बात की सर आपने, सर ऐसे ही होता है। और हम गप करें, अच्छा लेट्स हियर, एनीबॉडी कैन रेज हैंड एंड टेल व्हाट न्यू थिंग डिड यू लर्न टुडे। ठीक है, समथिंग एट रैंडम पूछते हैं, जिसका दिल चाहे वो बोले। ठीक है, सर कह रहे हैं टेल। हां साथ बताएं। यस सर, टुडे आई लर्न दैट इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ अहेड, मतलब इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए आगे, जो हमारे हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो इसकी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस है उसका आज हमें पता लगे। सो दिस इज द न्यू थिंग दैट आई लर्न टुडे। वेरी गुड साथ, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स, व्हाट न्यू थिंग डिड वी लर्न टुडे? सर, व्हाट आर द स्टेप्स टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। अच्छा, एनीबॉडी एल्स, वन मोर सर? हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स एंड हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ? बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट, शाबाश। अच्छा, any question that has been sparked in your mind? koi sawal aapke zehen mein utha subject? Kashif, aapne hand raise kiya hai, aap kahein? Yes sir, sir today we learned a lot of things like how to take interview, how to present yourself, how to present yourself in front of all people, like in front of people, also in front of the checker and interview. So right. What I can say is the most great time for me that I got this opportunity that I was present myself, also got a good teacher today that he will bring my destination. Okay, good Kashif, welcome to our class. From which country have you come from? Sir, I'm from Pakistan. You're from Pakistan? Your English accent is very different. So I thought that, did you study abroad? No, sir. I'm a villager, sir. Sorry? But I practice. Sir, I'm a villager. I just practice, sir. Very good. Very good. Excellent. Thank you. So, okay. And is there any foreigner in the class? Most probably no. No. But then I have to be careful. No, sir. If there is one foreigner, then I should never switch to a single word of Urdu. Then it's bad manners. Because we take foreign students and then sometimes start giving lecture in Urdu or Pashto, then it's bad for them. Okay. Any question in your mind? Anybody would like to speak? Yes, sir. Sir, what is the role of fifth person in group discussion? Right. Note taker. Note taker. No, like you said, first will be the leader, second will be the moderator, one of them will be in a timekeeper, and one of them will be note taker. But we have five persons in a group. Right. Right. So the leader will be the moderator and the timekeeper. Discussion kare jo. Leader bhi hai, moderator bhi hai, timekeeper hai. Ek banda ho gaya. Dusra banda jo hai note taker hai. ये दोनों पार्टिसिपेट इतना नहीं कर रहे, एंड द अदर थ्री आर टॉकिंग मोस्टली, राइट? तो लीडर, अगर आप कहीं हमारे शायद अक्सर सिनेरियो फर्क है, बट लीडर की क्वालिटी है दैट ही लिसन्स मोर एंड टॉक्स लेस, राइट? तो हम वो भी डेवलप करना चाह रहे हैं, लीडरशिप लिसन करे, राइट? और नोट टेकर सिर्फ नोट्स ले और बाकी तीन डिस्कशन करें। इज इट ओके? यस, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अच्छा, और एक्सक्यूज़ मी सर, हाँ पूछे ज़ैन सर, ये तो 20 या 25 प्रो नंबर तक से फाइव, उससे आगे नहीं आया, तो right. उनको क्या मिलेगा? राइट right. नहीं, वो फिर अगली क्लास में फिर स्विच होंगे, ठीक है? फिर अगली क्लास में फिर स्विच होंगे, मतलब सारी एक्टिविटीज हमने नेक्स्ट वीक तो नहीं खत्म करनी। आप में से नेक्स्ट वीक जो न्यूज़पेपर रीड कर रहा है, उससे अगले हफ्ते शायद इंटरव्यू दे रहा हो, उससे अगले हफ्ते शायद वो ग्रुप डिस्कशन कर रहा हो, बट ईच वन ऑफ यू विल पास थ्रू द न्यूज़पेपर रीडिंग, थ्रू द इंटरव्यू, थ्रू द ग्रुप डिस्कशन। ये बदलते रहेंगे हर वीक, ठीक है? और मैंने वेबसाइट पे
क्लास एक्टिविटीज अपलोड की है ना, वो आप थोड़ा सा वो भी पढ़ लें। आज फर्स्ट डे है, उसको वर्ड का डॉक्यूमेंट है, वो पढ़ लें। तो ये डिस्क्राइब किया है कि किस तरह हम ग्रुप्स चेंज करेंगे। ठीक है, गुड क्वेश्चन। हाँ कहें जैन, क्लासेस जूम पे होंगी या गूगल क्लासरूम में? जूम पे। नेक्स्ट, जूम का मैंने इंटरफेस ज्यादा बेहतर देखा है। ऑल नेम, ज्यादा फेसेस, वॉइस क्लैरिटी, पिक्चर क्लैरिटी, शेयरिंग। सो समहाउ आई एम मोर, आप भी शायद एक दो हफ्ते जूम देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका इंटरनेट क्लासेस के लिए इट्स मोर पावरफुल देन गूगल मीट। सर जूम बेस्ट है, जूम बेस्ट है बिकॉज़ ये एपीसी के लिए, वो गूगल मीट तो सिर्फ वीडियो कॉल है। राइट राइट, बिल्कुल ये ज्यादा पॉपुलर। आप देखेंगे इसके नीचे फीचर्स भी बहुत ज्यादा हैं, गूगल मीट में इतने फीचर्स नहीं है। ओके, एनी क्वेश्चन दैट यू हैव इन माइंड टुडे? सर एक क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी सर। ओके, आदिल एंड देन उमर। आदिल आप पहले कहें। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं, व्हेन यू आर कैंडिडेट, तो जो आप आंसर करते हैं क्वेश्चंस का, तो वो मैटर करता है या आप किस तरह से क्वेश्चंस का आंसर करते हैं वो मैटर करता है? दोनों में से क्या चीज ज्यादा मैटर करती है? एक्चुअली बोथ इक्वली। फॉर इंजीनियरिंग जॉब इट्स योर सब्सटेंस मैटर। आप ठीक है, आपके अल्फाज में नॉलेज और कुव्वत होनी चाहिए, राइट? और हाउ यू प्रेजेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। व्हाई? सपोज करें कोई फॉरेन डेलीगेशन आ रही है, राइट, और वो एक इंजीनियर को चूज करेंगे कि अपनी फैक्ट्री की प्रेजेंटेशन दो, वो कौन सा इंजीनियर होगा जिसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बेस्ट होंगी? ठीक है, तो वो ही प्रेजेंट करेगा फैक्ट्री को। जब वो फैक्ट्री को प्रेजेंट करेगा, वो सबकी निगाहों में आ जाएगा। पहले किसी फैक्ट्री के कोने में बैठता था, छोटे से ऑफिस में, अब प्रेजिडेंट ऑफ फैक्ट्री, लाहौर का जनरल मैनेजर, जर्मनी का जनरल, सब उसको देखेंगे प्रेजेंट, वो सबकी निगाहों में आ जाएगा। उसकी फ्यूचर प्रमोशन ज्यादा होंगी, फॉरन ट्रिप्स भी उसको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, सो बोथ मैटर्स, हाउ यू प्रेजेंट, ये आपका सीक्रेट टू योर प्रमोशन है। और सब्सटेंस मैटर का तो खैर जवाब ही नहीं है। अगर आप बहुत अच्छी तरह बोल रहे हो और आपकी मैथ गलत हो, साइंस गलत हो, पहले स्लाइड में क्रैश कर जाएगा बंदा, वो बोलेंगे यार ये तो फैक्ट्री को डुबोएगा, ये तो आग लग जाएगी फैक्ट्री में। ठीक है, सो वो था। ठीक है, यस सर, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा और पूछें सर। हाँ, अलानुल्लाह खान, अलानुल्लाह अमीन, बिल्कुल कहें। सर अगर कोई बंदा प्रैक्टिस के बावजूद भी ये कम्युनिकेशन स्किल सीख न सके, उसके लिए आपका क्या मशवरा होगा? राइट, सो थ्रू माय वेरी वास्ट एक्सपीरियंस आई हैव नॉट कम अक्रॉस अ सिंगल केस जो कि प्रैक्टिस के साथ ठीक नहीं हुआ। लाइक आई गेव यू द एग्जांपल दैट सम टाइम्स बैक देयर वाज अ स्टूडेंट हु यूज्ड टू स्टैमर, वो हकलाता था, उसकी मेडिकली डिफेक्ट था, राइट, बाय द एंड ऑफ द क्लास ही वाज स्मूथ, राइट। सो आपका इंटरेस्ट, आपकी कोशिश, आप कितनी दफा कोशिश करते हैं तो उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल फिक्र नहीं करें, गारंटीड यू पार्टिसिपेट इन ऑल द एक्टिविटीज, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक ना। काशिफ, एक्सक्यूज मी सर। फर्स्ट काशिफ, देन ज़ैन। काशिफ ने हैंड रेज किया हुआ है। काशिफ आप कहें। सर आई वांट टू से दैट दिस and class, like it's not a being, like just it will give us more help in a class, like in a physical class, not an online class, sir. Kashif, your voice is not that clear. I couldn't understand what you're saying. Can you please repeat more loudly and slowly, please? Sir, I'm saying that this class will be much better and physical class, not online, because in physical class will take a lot of advantages about this class. I agree. So online classes, neither the students like it nor the teachers like it. It's a very difficult question. It's a totally different debate, but I'm glad you are expressing to your teacher, and if you don't express to your teacher, who else will you express it to? बस एक मजबूरी है, गवर्नमेंट को भी डिसीजन करना पड़ता है कि डेथ्स। आप सबके साथ ये हाल है, मुझे डेली एक जनाजे की खबर आती है, मुझे पता है सबके साथ इस तरह ही हो रहा है, डेली एक जनाजे यूनिवर्सिटी के अंदर भी। सो इट्स जस्ट टू डेंजरस, इट्स नॉट द डेफिनेटली नॉट द बेस्ट, एंड इंशाल्लाह वील ओवरकम इट होपफुली ड्यूरिंग दिस सेमेस्टर। ओके ज़ैन, देन सनाउल्ला, देन अजराल। ज़ैन आप कुछ कहना चाहते थे? एक्सक्यूज मी सर, सर क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी टैकल विद ओवर कॉन्फिडेंस? हाउ कैन वी टैकल विद ओवर कॉन्फिडेंस?
राइट आई थिंक इट्स नॉट बैड उसको व्हीकल अच्छी दें जिसपे वो उड़ सके. ओवर कॉन्फिडेंट बंदा उड़ना चाहता है, उसको हमने मोटरसाइकिल दी हुई है, उसको हवाई जहाज दें कि उड़े. ठीक है. और एक और मैं भी फॉर्मेट का नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करूंगा. सारी क्लास में आप एक जैसे नहीं है, राइट. नॉर्मली देयर आर फोर डिफरेंट टाइप्स. एक वो है जो सोशल टाइप के स्टूडेंट्स हैं, वो बातें करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं. एक वो है जो नोट्स लेना चाहते हैं सारा वक्त बैठ के. ठीक है. एक वो है जो कुछ करना चाहते हैं, हाथों से कुछ बनाना चाहते हैं. और एक वो है जो ड्रीमर्स हैं. ठीक है. वो सारा वक्त खिड़की के बाहर देख रहे होते हैं. तो जो ड्रीमर होते हैं उससे हम कहते हैं अंदर देखो, खिड़की के बाहर क्यों देख रहे हो, उसका हम ड्रीम तोड़ देते हैं. और जो सोशल बातें करना चाहता है क्लास में, सुनते चुप रहो मेरी बातें सुनो, उसकी भी हम सोशल स्किल्स तोड़ देते हैं. तो एक क्लास में हम चारों को किस तरह एंगेज करें, ड्रीमर्स के ड्रीम ना तोड़े, सोशल वालों को बातें करने दें. ठीक है. तो ये आपको सिखाएंगे आज इसकी मेथडोलॉजी से, राइट. सो ओवर कॉन्फिडेंट इज नॉट बैड, अंडर कॉन्फिडेंट इज नॉट बैड. अंडर कॉन्फिडेंट जो है वो मोहतात है, वो बेवकूफ नहीं है, वो बस फूंक फूंक के कदम रखता है. इट्स ओके. Conversation skills, it just teaches you how to converse, right? Then language skill teaches you the language, the words, the grammar and everything. Communication skills has two parts to it. It's basically getting your message across. Are you communicating? You're talking, but are you communicating? For example, I might be giving this whole 1 hour lecture, and if none of you got a point of it, it means I was not able to communicate. I delivered the lecture, recording is there, but I did not communicate. Right. So how do I communicate across the screen to you? How do I reach out? This is communication skill. ठीक है. तो आपको business से भी ये करना होता है, आपको communicate करना है, दूसरे के दिलो दिमाग तक पहुंचना. ठीक है. बल्कि आगे हम आपको सिखाएंगे कि पहले दिल तक पहुंचना है, फिर दिमाग तक पहुंचना. ठीक है. अगर आप सर ऑडियंस के दिल पे से कनेक्ट कर जाए ना, फिर वो पूरा आपके दिमाग तक पहुंचना आसान होता है. उमर 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 आपका क्वेश्चन हो गया? सर थोड़ा रहते हाँ कहें, देन अजलाल एंड देन वी विल टेक इंट्रोडक्शंस एंड देन वी विल क्लोज टुडेस क्लास. ठीक है. तो उमर का क्वेश्चन लेते हैं, अजलाल का लिखते हैं, और फिर हम सारी क्लास में गपशप करेंगे इस तरह. ठीक है. डोंट वरी, लेक्चर लेंगे, क्लास एक्टिविटी होगी, और फिर आप जो सवाल फिलोसफी ऑफ लाइफ, कैरियर पे क्या करना है, ठीक है, तो डिप्रेशन क्यों है, वो सब गपशप करेंगे. ठीक है. बिकॉज दिस इज आर सोशल एक्टिविटी, इसी वक्त हम इकट्ठे हैं, राइट. इस कोविड की दुनिया में हम इधर ही इकट्ठे हैं. सो वी वैल्यू दिस प्रेशियस टाइम टुगेदर. So Umar, Azlal, and then we'll take introductions. Umar. Sir, as you said, everybody has its own tendency. Sir, आपको नहीं लगता हमारे parents जो है और sir हमारे teacher जो है हमें जो है ना बीच में पकड़ते हैं, मतलब हमें वो tendency दिखाने छोड़ती नहीं उनको. Right. Format methodology का एक हम lecture लेंगे next week or following week. उसके बाद इस सवाल का जवाब दूंगा. लिख लें ये सवाल, ठीक है. इसको छोड़ना नहीं है, बड़ा important सवाल है. ठीक है. बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. और एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ, फिर उसके जवाब मैंने नहीं दिया, सिर्फ एक किस्सा सुना रहा हूँ. तो फाइनल ईयर की हम तैयारी कर रहे थे, फाइनल ईयर एक एग्जाम दे रहे थे इंजीनियरिंग में. तो फोर फ्रेंड्स से साथ पढ़ते थे. तो तीनों तीन बैठ के सवाल करें, एक पर्दे के पास खड़े. तो हमने कहा कि यार तू क्या कर रहा है पर्दे के पास इतने से खड़े, इधर टाइम ज़्यादा हो रहा है फिर भी नहीं आ रहा. फिर जाके देखा रो रहा है. ठीक है. तो क्या क्या हो गया, फाइनल ईयर रो रहा है, क्या हो गया यार तुझे, व्हाट हैपेंड. कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझसे जबरदस्ती इंजीनियरिंग कराई है, मेरा पढ़ने का दिल नहीं करता, मतलब वो सब्जेक्ट्स उसे अच्छे नहीं लगते, उसका दिल नहीं चाहता, राइट. तो समटाइम्स इट कैन हैव ट्रेजिक रिजल्ट्स, जिस चीज का शौक ना और हम अपने बच्चों पे ठोसें. बट वील टॉक मोर अबाउट इट. ठीक है. तो सिर्फ कहानी सुनाइए, बट इसका क्या किया जा सकता है, क्या करना है, आपने क्या करना है, मैंने क्या करना है, आपके वालिद साहब ने क्या करना है, वील टॉक मोर लेटर. अजलाल लास्ट क्वेश्चन and then we'll take five introductions and then we'll close the class. Azlal. Sir, agar main apni mother tongue mein communicate kar sakta hu, it means main ke every language mein communicate kar sakta hu. Very good, very good. Bilkul theek hai. Agar apne mother tongue mein aap communicate kar sakte hain, aap kisi language mein bhi communicate. Nahi to ye zaruri to nahi hua na phir sir ke main English mein zarur karu. आपको दोनों में भी एडवांटेज है. ठीक है. आप कम्युनिकेट करें,
सवाल का जवाब आप पश्तो में दें, उर्दू में दें और फिर इंग्लिश में देने की कोशिश करें, ठीक है? तो ट्रेनिंग हो जाएगी, राइट? तो मतलब आपने अपने आपको आपका दिल बंद हो क्या? मैं कह नहीं पाया जो मैं कहना चाहता था। आप इजहार करें जो आप कहना चाहते हैं, दिल से कहें, अपनी मादरी जबान में कहें और फिर इंग्लिश में कहने की सिर्फ कोशिश करें। आप एंड ऑफ क्लास 16 वीक्स तक देखेंगे कि अब आपकी कोशिश इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? ओके, सो जो फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास है, आर यू कंफर्टेबल इंट्रोड्यूसिंग टुडे या नेक्स्ट वीक आप लिख के लाएंगे और इंट्रोड्यूस करेंगे चारों सवालों के जवाब? सर मैं आई कैन मोहसिन कहें सर हमारे क्लास में सर 5 बंदे हैं ना लेने वाले और इंटरव्यू लेने वाले, और देने वाले में 4 बंदे हैं, मतलब बिलाल तो प्रेजेंट नहीं है ना, तो कोई और बंदा दे दे। ठीक है, इंटरव्यू टेकर्स में 4 हैं, बिलाल नहीं है, इंटरव्यू गिवर्स में 5 हैं। यस सर, 5th का इंटरव्यू आई विल टेक, ठीक है? ताकि वो 5 का नंबर भी ना टूटे और 5th का इंटरव्यू आई विल टेक, ठीक है? ओके सर, ओके सर, ओके। तो आई थिंक अभी हम क्लास क्लोज करते हैं, नेक्स्ट क्लास से वील स्टार्ट इंट्रोडक्शन से 5 और 10 पर क्लास, और इंट्रोडक्शन लेक्चर में अपलोड कर दूंगा आज शाम तक, और ये रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो आप वो 5 सवाल देख लेंगे कि आपने इंट्रोड्यूस अपने आप को किस तरह करना है, ठीक है? और वील कीप द इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, राइट? और जब डिफाइन ही होते हैं फिर 2 लैंग्वेजेस। आदिल सर, थैंक यू सर, अपना इंट्रोडक्शन तो करवाते हैं मुझे, राइट? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एक टीचर हूँ, बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, बट कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाना मेरा शौक है। मैंने इसलिए चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की कि मुझे इस दफ़ा ये कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स दें, सो दैट्स माई इंट्रोडक्शन, और फिर आहिस्ते आहिस्ते आप और जानते सर, कौन सी सर, कौन सी इंजीनियरिंग? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, ऑल ऑफ यू। पहले कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते थे? सॉलिड मैकेनिक्स मैंने पढ़ाया, मशीन डिजाइन मैंने पढ़ाया, और टेक्निकल राइटिंग। इंजीनियरिंग कहां से? यूटीसी की, यूटीसी। मोस्ट वेलकम, एनी टाइम, ठीक है? मैं डेली दफ्तर आता हूँ, मोस्ट वेलकम, आप लोग आए मिले, ठीक है? हमारा जो रिलेशनशिप है जैसे बताया आज एस्टेब्लिश हुआ है और ये लाइफ लॉन्ग है, ठीक है सर? टाइमिंग सर, राइट? आफ्टरनून्स मोस्टली आई एम देयर इन माय ऑफिस, ओके सर, ठीक है? ओके एवरीबॉडी, हैव ए ग्रेट डे टुडे एंड एंजॉय योर नेक्स्ट क्लासेस, एंड आई एम बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूजडे 10 to 12, राइट? और बाकी तैयारी करें अपने डिस्कशन। ग्रेट टाइम विद यू, आई कैन गेट दैट एनर्जी फ्रॉम यू, मुझे पता है बहुत इंटेलिजेंट और एनर्जेटिक क्लास मुझे मिली है, ठीक है? तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट जी, थैंक यू सर, वेलकम, थैंक यू सर, ओके टेक केयर, आई एम क्लोजिंग द क्लास, ओके सर, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।